आजादी के बाद देश की अधिकतर जनता सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन बाजी हाथ लग गई थी जवाहरलाल नेहरू के। आखिर कैसे बदला था घटनाक्रम, क्या कुछ हुआ था उस समय, आइए पलट कर झांकते हैं इतिहास के पन्नों में एक बार फिर से। सन 1946 के आखिरी तक भारत को आज़ादी मिलना लगभग तय हो गया था। हर तरफ चर्चा हो रही थी कि भारत का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी के मुताबिक मतदान भी हुआ, लेकिन लाखों लोगों की राय के ऊपर एक व्यक्ति विशेष की मर्जी थोप कर आज़ादी से पहले ही जनमत का माहौल बनाने की परंपरा डाल दी गई थी, जिसका पहला निशाना बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से भारत में सत्ता हस्तांतरण की तैयारियों में जोर पकड़ लिया था। सन 1946 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, इसलिए कांग्रेस के ही नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। सबकी नज़रें कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वही भविष्य का प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय यानी 1946 तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही लगातार 6 बार से कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने हुए थे, क्योंकि 1942 में हुए कांग्रेस भारत अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में सभी बड़े नेता जेल में थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के संगठनीय चुनाव नहीं हो पा रहे थे। मौलाना आज़ाद अगला चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें मना कर दिया था, जिसके बाद आज़ाद ने नेहरू का समर्थन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। नए कांग्रेस अध्यक्ष या फिर कहिए भारत के भावी प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 थी। यह नामांकन कांग्रेस की 11 राज्य इकाइयों को करना था। इन इकाइयों में जो नाम भेजा उसने गांधी जी को ही नहीं कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को बिल्कुल चौंका दिया था। गांधी जी की सिफारिश के बावजूद 15 में से 12 राज्य इकाइयों ने नेहरू की बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम का अनुमोदन दिया था। बाकी के 3 राज्यों ने भी कोई एक नाम भेजने के बजाय बहुमत का सम्मान किए जाने का संदेश भेज दिया था। कांग्रेस की राज्य इकाइयां, जो कि उस समय देश के अलग अलग हिस्से की जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, उनका संदेश स्पष्ट था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में भविष्य देश का सुरक्षित समझा था। गांधी और नेहरू दोनों कार्य समितियों में से फैसले से भौचक्के हो गए। गांधी जी ने जनता की राय को अपनी निजी हार के तौर पर लिया। उन्होंने जेबी कृष्णपल्ली पर दबाव डाला कि वह कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को नेहरू के नाम का प्रस्ताव पास करने के लिए राजी कर लें, लेकिन इसमें कांग्रेस का संविधान आड़े आ गया, जिसमें यह साफ लिखा हुआ था कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का अधिकार सिर्फ राज्य इकाइयों का ही है और उन्हीं के पास रहेगा। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने अपना तुरुप का इक्का चला। उन्होंने सरदार पटेल को बुलाया और नेहरू के समर्थन में अपना नामांकन वापस लेने का दबाव डाला। कहा जाता है कि गांधी जी को इस बात के लिए नेहरू ने मजबूर किया था। उन्होंने गांधी जी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस को तोड़ देने की धमकी दी थी। गांधी जी को यह भी आशंका थी कि कांग्रेस के इस आपसी झगड़े का फायदा उठाकर कहीं अंग्रेज भारत को आज़ादी देने से इनकार ना कर दे। गांधी जी ने जब पटेल से मुलाकात की तो उन्होंने अपनी यह आशंकाएं उनके सामने भी रखी थी। हालांकि वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि गांधी जी इन आशंकाओं की आड़ में नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ही चाहते, लेकिन सरदार पटेल के अंदर का देशभक्त या नहीं चाहता था कि उनकी वजह से देश को आज़ादी मिलने में देरी हो या कांग्रेस में किसी तरह की टूट पड़े। इसलिए जनता की प्रबल इच्छा के बावजूद उन्होंने नेहरू के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपनी दावेदारी वापस ले ली। जब बाबू राजेंद्र प्रसाद ने यह खबर सुनी तो एक आह के साथ उन्होंने मुंह से निकला कि एक बार फिर से गांधी जी ने अपने चहेते चमकदार चेहरे यानी नेहरू के लिए अपने विश्वास पात्र सैनिक यानी सरदार पटेल की कुर्बानी दे दी। क्योंकि कांग्रेस में यह बात हर कोई जानता था कि गांधी जी की पहली पसंद सरदार पटेल नहीं बल्कि नेहरू हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार 1929 और 1937 में पटेल ने ऊपर नेहरू को वरीयत दी गई थी।
गांधी जी कथित रूप से नेहरू की उच्च शिक्षा दीक्षा और विदेश अंदाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी भले ही स्वदेशी भारतीयता को अपने आंदोलन का आधार बताते थे, लेकिन उन्होंने खुद विदेश में शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए वह पूर्ण रूप से देश में पटेल से ज़्यादा इंग्लैंड में पढ़कर आए नेहरू को ज़्यादा मॉडर्न और प्रगतिशील मानते थे। इसके अलावा 1946 में जब गांधी जी की उम्र 77 साल हो चुकी थी, वह नेहरू पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी हो चुके थे। गांधी जी को डर था कि अगर नेहरू ने कांग्रेस तोड़ दी तो उन्हें अंग्रेज का समर्थन मिल जाएगा और वह खुद हाशिए पर चले जाएंगे। भले ही नेहरू गांधी जी के चहेते थे, लेकिन वह जानते थे कि नेहरू की बात ना मानी गई तो वह उनके आदेशों की परवाह नहीं करेंगे। साथ ही गांधी यह भी जानते थे कि उन्होंने पटेल के साथ कई बार पक्षपात किया है, फिर भी भारतीय संस्कारों के बीच पढ़े वल्लभ भाई पटेल उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। गांधी जी का भावनात्मक दबाव काम आया और सचमुच पटेल ने अपनी दावेदारी वापस ली, लेकिन जनमत की यह अनदेखी देश को आगे जाकर बहुत महंगी भी पड़ी थी। मौलाना आज़ाद ने 1959 में प्रकाशित अपनी जीवनी में लिखा था, सरदार पटेल का नाम का समर्थन ना करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मेरे बाद अगर 1946 में सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया होता तो भारत की आज़ादी के समय कैबिनेट मिशन प्लान को उन्होंने नेहरू से बेहतर ढंग से लागू करवाया होता। मैं अपने आप को कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने यह गलती ना की होती तो भारत के पिछले 10 सालों का इतिहास कुछ और ही होता। ठीक इसी तरह चक्रवर्ती राम गोपालाचारी ने भी लिखा था कि इसमें कोई शक नहीं कि बेहतर होता यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री और नेहरू को विदेश मंत्री बनाया गया होता। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भी गलत सोचता था कि इन दोनों में नेहरू ज़्यादा प्रगतिशील और बुद्धिमान हैं। इस विद्वानों की राय अगले 15 साल में सही साबित हो गई। अगर पटेल के हाथ में भारत का नेतृत्व आया होता तो 1947 में देश का विभाजन, कश्मीर की लगातार गंभीर होती समस्याएं और 1962 में चीन के हमले में समय देश की हालत ऐसी ना हुई होती। तो ये कारण था कि देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं हो पाए। बाकी आप हमारी वीडियो पे क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अंततः मेरा नाम सौरभ सिंह है और आप देख रहे थे द भारत जंक्शन।